हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो मेरा ये ब्लॉग है, ये मेरी वीडियो है, ये है नॉर्मल रूटीन। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बजे और मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीन के लिए। और वो है यहाँ से कम जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से आधा घंटे की दूरी पर। और मैं और अलका पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर में। अलका और मेरे बैक साइड आप देख रहे होंगे चेयर, कितनी सारी चेयर है। तो शायद आज इतने लोगों का वैक्सीनेशन होगा। और वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग निकले वहाँ से घर को, और मैं बीच की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ क्लिप्स लेना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ। और वैक्सीनेशन पे जो मेरे रिव्यूज़ हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा या मुझे उसके बाद कुछ सिम्टम्स जैसे फीवर वगैरह आया या नहीं आया, और मैंने कोविशील्ड लगाई या कोवैक्सीन लगाई, इनके बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मैं घर पहुँची थी तो मुझे मतलब भूख लगी थी, सुबह ढंग से कुछ खा के नहीं गई थी, हालाँकि खाया था, ब्रेकफास्ट करके ही जाना था। तो मैंने ये बनाया था शाही पनीर विद कस्तूरी मेथी का जायका। तो ये मैंने अलका से सीखी है वाली रेसिपी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने कैसे बनाई। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वह है, और इसके लिए चाहिए 250 से 300 ग्राम पनीर, और ये पनीर होममेड है, घर में ही बनाई है, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्ची, लौंग और इलायची और तेज़पत्ता और कस्तूरी मेथी जो इसके मेन जायका को बढ़ाएगा, थोड़ा जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। अब दूसरी प्लेट की तरफ आते हैं, इसमें एक कटोरी दही है, फ्रेश दही है, थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, काजू पिसा हुआ आधा कटोरी और फ्रेश मलाई आधा कटोरी और 2 बड़े से प्याज। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि जो प्याज है उनको मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी। और ये प्याज मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और कढ़ाई भी मैंने गैस के ऊपर रख दी है, गैस अभी ऑन नहीं किया है, तो अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। और गैस ऑन करने से पहले बता दूं, जो काजू पाउडर है इसको हम थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करेंगे, तो इसको मैं मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के एक बार थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। अब मैंने ये प्याज भी ग्राइंड करके कटोरी पे डाल दिया है, और जो काजू का पाउडर जो लिक्विड फॉर्म में था वो भी कटोरी पे रख दिया, ये भी तैयार है। तो चलो अब करते हैं गैस ऑन। और कढ़ाई में ऐड करेंगे तेल, कोई भी तेल जो आप खाते हो वही तेल आप डालिए। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें मैं डालूंगी जीरा। और जब जीरा अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं डालूंगी उसमें प्याज। और प्याज डालने के बाद क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा प्याज को तब तक फ्राई करना है, मतलब भूनना है जब तक वो थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए। देखिए प्याज जब ये ब्राउन कलर का हो गया और अच्छे से भून चुका है ये, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू का जो पेस्ट था वो ऐड करूँगी। और पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी।
और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें दही, और दही ऐड करने के बाद मैं जो पूरा ये बैटर है इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें ऐड करूँगी नमक, और इसे कुछ देर इसी तरह थोड़ा सा पकाऊंगी। और पकाने के बाद इसमें ऐड करने हैं धीरे धीरे सारे मसाले, और सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाऊंगी सिम फ्लो में। और जब हमारा मसाला ये अच्छे से भून जाए तो उसमें मैं डालूंगी पनीर, और पनीर को मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से इसे मिक्स हो जाए तो इसके बाद ही हमें जो मलाई है वो इसमें ऐड करनी है। तो अब मैं ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मलाई, और मलाई ऐड करने के बाद मैं फिर दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और कुछ देर इसी तरह पकाऊँगी। और जो मेरी ये कढ़ाई है स्टील की, थोड़ा सा ना इस पर अगर थोड़ा गैस तेज कर दो या थोड़ी सी भी इसकी आंच थोड़ा तेज हो जाए तो ये नीचे से चिपकने लगता, तो ध्यान देना पड़ता है। अब इसका मेन जायका जो है कसूरी मेथी से, तो मैं वो ऐड करूँगी। चलो जब तक ये पक रहा है तब तक दूसरा गैस ऑन करते हैं, उस पर रखते हैं तड़का पैन। और इसमें जो मेरा जितना मतलब ये मैंने अलग से जो खड़ा मसाला रखा था, जो काली मिर्ची थी, लौंग थी, और जो इलायची थी, और तेज़पत्ता था, और क्या बोलते हैं दालचीनी थी, वो सब इसमें डाल दूँगी। और ये कसूरी मेथी भी पनीर में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब जो मैं ये अलग से ये तड़का पैन में ये फ्राई कर रही हूँ, इसको मैं तड़का लगाऊंगी ऊपर से, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी इसका फ्लेवर आता है, और बहुत ही डिफरेंट होता है। हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है पनीर बनाने का। ये कुछ शाही पनीर की तरह ही है, लेकिन हर किसी का बनाने का अपना अपना मेथड होता है। तो सारे मेथड से बनाना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि एक डिश को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और इस तरह से मेरा ये पनीर मसाला विद कसूरी मेथी का जायका ये तैयार हो गया है, और काफ़ी भूख भी लगी थी। तो ये मैंने सुबह बनाया था, रेसिपी मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। तो हमने ब्रेकफास्ट किया, मैंने और अलका ने, उसने भी यहीं पर खाया, उसके बाद वो यहाँ से गई। तो आज मेरा बहुत काम था, मुझे आज मार्शल को नहलाना भी था, क्योंकि एक डेढ़ हफ्ता हो गया था, क्योंकि बहुत गर्मी भी हो रही है। तो मैं अभी इसे पानी से ढंग से बात नहीं देती हूँ, थोड़ा स्पंज टाइप का करवाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक उसे एकदम पानी से बात नहीं देना है। तो मैं उसको थोड़ा स्पंज बात कराती हूँ, पानी से ही करवाती हूँ पर स्पंज बात करवाती हूँ। और इतनी गर्मी है कि उसे बात लेना इतना पसंद है, वो बहुत खुश होता है। और डॉक्टर ने इसके लिए माशा के लिए एक अलग से ही शैम्पू दिया है, तो वो ड्राई शैम्पू है वैसे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वाटर से मिक्स करके इसे नहलाती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा इस पर काफ़ी डस्ट जम जाती है और बाल भी बहुत घने हैं और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो मैंने नोटिस किया है कि मार्शल को जब भी मैं नहलाती हूँ तो वो बहुत इन्जॉय करता है, और उसे मुझे लगा कि उसे नहाना काफ़ी पसंद है। और देखो नहाने के बाद वो कितने मज़े से सो रहा है। और जिस तरह से हम लोगों को जैसे नहाने के बाद बड़ी फ्रेशनेस लगती है, वैसे जानवरों को भी होता है, और उनको तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही गर्मी लगती है। और मार्शल को मैंने नोटिस किया बहुत गर्मी लगती है, तो उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से खेलता है, सोता भी है,
और अभी खाता पीता भी बहुत अच्छे से है, वो उसे भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है, लेकिन मैंने उसका रूटीन बना रखा है तो मेरा टाइम आजकल सब इसी पे चले जाता है और भी काफ़ी काम रहते हैं, इन्हीं पे मैं बिज़ी रहती हूँ। तो ये मेरा आज का नॉर्मल रूटीन था, और अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।